गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जुई आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल की टीचर। क्लास फिफ्थ के लिए ये चैप्टर हमने पार्ट वन में पढ़ लिया था। पार्ट वन में हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये चैप्टर जो आपका एट चैप्टर ऑब्जॉर्बिंग द ग्रोथ, हमने अवर लाइक एंड डिसलाइक तक पढ़ा था। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है अवर बॉडीज अवर सेंसेस, ठीक है। हमारे जो बॉडीज में हमारे जो बॉडीज में सेंसेस हैं वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि अवर सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग्स इन विच वी आर ब्रॉट अप। हमारा जो टेस्ट है और स्मेल जो है हमारा, ग्रोप होता है जो जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, उस सराउंडिंग के जो स्मेल और टेस्ट के साथ हम ऐसे बड़े होते हैं और हमें पता चलता है। द फैमिलीज ऑफ फिशरमैन ग्रो अप सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ फिश। जो आपके जो फिशरमैन के जो फैमिलीज में जो बच्चा ग्रो होता है, जैसे फिशरमैन जो होते हैं, जो मछुआरा बोलते हैं, जैसे जो फिश की वो करते हैं, तो वो उनकी जो फैमिली में जो बेबी ग्रो करता है, तो जब होता है तो वो बचपन से ही वो फिश की स्मेल से ही सूंघते ही वो बड़ा होता है। तो वो उसके फिश की जो स्ट्रांग स्मेल है ना उसके पास, मतलब हम जैसे अगर फिश की स्मेल अगर हम जैसे लोग करेंगे, नॉर्मल इंसान जिनको फिश अच्छा नहीं लगता, जो नहीं खाते और उनको बहुत ही गंदा लगता है, क्यों? क्योंकि हमें तो ये स्मेल पसंद नहीं है, हमने कभी स्मेल कभी लिया भी नहीं है। और जो फिशरमैन जो होते हैं उनकी फैमिली में जो बच्चे होते हैं, जो फिशरमैन सब होते हैं, तो उनको ये स्मेल की अब वो आदी हो चुके होते हैं, उनको स्मेल की आदत हो चुकी होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट ऐसे ही आपका है कल्चर इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। आपकी जो टेस्ट और स्मेल जो है वो कल्चरली भी लोगों में आ जाता है, जैसे कि कोई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कोई वेजिटेरियन होते हैं, कोई नॉन वेज खाते हैं, कोई नहीं खाते, ठीक है। जो नहीं खाते हैं उनके सामने अगर नॉन वेज रख दो तो उनको बहुत ही गंदा सा लगता है, मतलब बिना खाए बिना टेस्ट किए ही उनको स्मेल से ही ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है, है ना, ऐसे ही हो जाता है। जैसे वेजिटेरियन को नॉन वेजिटेरियन खिला दो तो ऐसे ही होता है। अवर कल्चर इन्फ्लुएंसेस अवर लाइक एंड डिसलाइक टेस्ट एंड स्मेल टू अ लार्ज एक्सटेंट। हमारा जो कल्चर है वो लाइक एंड डिसलाइक ऐसे ही बढ़ते ही चले जाते हैं। और किसी को जैसे कि गार्लिक अनियंस की जो स्मेल है पसंद नहीं आते, और किसी को गार्लिक अनियन की स्मेल अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही है रीड एंड फील विदाउट साइट। देखो कुछ हमारे जो होते हैं सब, कुछ लोग जो ऐसे हैं कि लकी होते हैं कि जिनके पास बॉडी होती है, काम के भी होते हैं, पर कुछ ऐसे अनलकी भी होते हैं जिनका बॉडी होते हुए भी वो किसी काम का नहीं होता है। उनके पास बॉडी तो होते हैं पर वो फिजिकली बहुत ही, जैसे फिजिकली डिसऑर्डर कुछ ना कुछ होता ही रहता है उनमें। किसी को या तो दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी कोई चल नहीं सकता, तो ये सब होता है। जैसे कि अब मैं इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसका, हेलन केलर। आप सभी को पता होगा हेलन केलर ब्लाइंड भी थी साथ साथ डेफ भी थी, उनको सुनाई और दिखाई नहीं देता था, है ना, उनमें फिजिकली डिसेबिलिटीज थी, ठीक है। वो कैसे पढ़ती थी, जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो पता है कैसे पढ़ते हैं, वो डॉट्स के थ्रू पढ़ते हैं। उनके लिए एक डॉट्स बैडली, उसको बोलते हैं बैडली अल्फाबेट्स बनाए जाते हैं, वो उस अल्फाबेट्स के थ्रू वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। और उनके लिए एक बैडली राइटर भी एक बनाया गया है जिसमें वो मशीन है, वो आपकी जिसमें वो लोग टाइप करते हैं, उसमें 6 की होते हैं, उनमें 6 चाबियां होती हैं उसमें, वो जो मशीन है जो उनको दिखाई नहीं देता, उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो इस डॉट्स के थ्रू पढ़ते हैं। आप इसमें देख सकते हो पिक्चर में डॉट्स दिए हुए हैं, इनके जो डॉट्स हैं, देखो ये 1 डॉट जो है वो ए कंडक्ट कर रहा है, यहाँ पे 2 डॉट जो है वो बी कंडक्ट कर रहा है। इनके जो डॉट्स हैं उनको टच करके, ये फील करके, ये टच करके ये पढ़ते हैं। इनके लिए अलग से ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया है। ऐसे ही आपकी जो हेलन केलर है उन्होंने ही, वो उनको सुनाई भी नहीं देता था और दिखाई भी नहीं देता था। आप तो लकी हो, आपको सुनाई दिखाई सब देता है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो बच्चे। और देखो ये जो है हेलन केलर ने क्या किया था कि उनको सुनाई भी नहीं देता है और दिखाई भी नहीं देता, फिर भी उन्होंने क्या किया, पढ़ी, डॉट्स के मदद से उन्होंने पढ़ा और एक उन्होंने बुक छापी। और बुक जो उन्होंने छापी थी तो क्या हुआ कि वो बुक जो है ऑलरेडी पहले से ही वो पब्लिश किए हुए बुक थे, पहले से मार्केट में आए हुए बुक था, उसका कॉपीराइट बन गया था, इन पे केस भी चला था। इनको तो वैसे पता भी नहीं था कि मार्केट में कोई बुक भी ऐसी आई हुई है जो मैंने बुक बनाई है, पर उनके साथ ऐसा भी हुआ था। उन्होंने देखो बिना दिखे बिना सुने उन्होंने एक बुक भी छाप दी थी उनके पास, क्योंकि क्या था, बेली राइटर एक मशीन थी उसमें वो टाइप करके किया था उन्होंने। नेक्स्ट आपका है, लास्ट टॉपिक है ओवरकमिंग फिजिकल चैलेंजेस। यहाँ पे देखो क्या होता है कि बॉडीज होने के बावजूद भी इंसान
अपने फिजिकली कमज़ोर होने के बावजूद भी अपने वो माइंड को स्ट्रांग रखता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। उन्होंने अपने माइंड को स्ट्रांग रखा था, जैसे हेलन केलर ने किया था, हेलन ने किया था, ऐसे ही स्टीफन विलियम हॉकिंग ने किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये फिजिकली मतलब ये चल नहीं फिर नहीं सकते थे, ये व्हील चेयर के सहारे चलते थे। इन्होंने क्या किया, स्टीफन विलियम हॉकिंग ने क्या किया, वो एक अच्छे साइंटिस्ट भी बने। कैसे बने, उन्होंने अपना एक मोटर मशीन जो है स्टार्ट किया, एक मोटर न्यूरॉन जो है एक मशीन है उन्होंने बनाया, जिसमें क्या होता है कि वो व्हील चेयर वाला होता है, ऑटोमेटिकली होता है, जिसमें आप कंप्यूटर, उसमें कंप्यूटर से अकॉर्डिंग फीड किया होता है, आराम से आप कहीं भी मूव कर सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं, किसी के सहारे की नहीं, आप आराम से खुद से उस मशीन के द्वारा भी मूव कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो स्टीफन ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, वो एक साइंटिस्ट बने थे, जबकि वो व्हील चेयर पे ही हमेशा से ही चलते रहे। उन फिजिकली इतने उनकी प्रॉब्लम थी, फिर भी उन्होंने अपने माइंड को सेट किया और अच्छे साइंटिस्ट बने। आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, साथ ही साथ नोट करते करते आप ये, जब आपका यह काम हो तो आप साथ ही साथ याद भी करते रहे, इसलिए आपके इजी हो जाए। ठीक है, थैंक यू।